अगर आप लोगों से पूछे कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो जो ज्यादातर जवाब आपको मिलेगा वो ये कि एक एटम के सेंटर में होता है उसका न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, ये एक कंप्लीट पिक्चर नहीं है, ये इनकम्प्लीट है और इसमें कुछ खामियां भी है, लेकिन इसे हम पूरी तरह से गलत भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि यही वो एटॉमिक मॉडल है जो कि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल का नींव रखता है। और इसे प्रूफ के साथ सबसे पहले जिन्होंने प्रपोज किया था वो थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और इसके प्रूफ के तौर पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया था हांस गेगर और अर्नेस्ट मार्स्डन से, जो एक्सपेरिमेंट आज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गेगर मार्स्डन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। वैसे ये जो एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इस एटॉमिक मॉडल तक रदरफोर्ड कैसे पहुंचते हैं, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये एग्जैक्टली कैसे कंडक्ट करवाया गया था और इसका रिजल्ट क्या आया था। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली क्या हमें बताता है और ये एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली है क्या। तो बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं EduPoint, क्लास 11th और 12th के फिजिक्स के किसी भी टॉपिक को देखने के लिए यूट्यूब के सर्च बार में जाके टाइप करें अपना टॉपिक, फिर EduPoint लिख के सर्च कर ले, आपको आपका वीडियो मिल जाएगा। तो इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें समझना होगा इसका सेटअप एग्जैक्टली कैसा था। देखिए, यह है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब हमें चाहिए होगा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब कि हीलियम न्यूक्लियस, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिटेड होता है, रेडिएटेड होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिसके लिए यूज किया गया एक लेड बॉक्स। अब लेड बॉक्स ही क्यों यूज किया गया, इस पर हम थोड़ी देर में बात कर रहे हैं। यहां से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है कैसे, इसके लिए चलिए इसके क्रॉस सेक्शनल व्यू देख लेते हैं। इसे अगर बीच से यहां से काटा जाता है तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर ये एक सॉलिड बॉक्स है, लेकिन बीच में एक टनल होता है, एक छेद होता है, यहीं पर इस जगह पे रखा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को। यहां से निकलता है अल्फा पार्टिकल, ये इधर उधर डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स निकलता है। जो भी लेड वॉल से टकराता है अल्फा पार्टिकल्स, वो लेड जो है वो अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिर्फ वही अल्फा पार्टिकल्स यहां से बाहर निकलता है जो कि बिल्कुल सीधा निकलता हो, मतलब कि इस लेड बॉक्स के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो भले ही रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर अल्फा पार्टिकल को रेडिएट करे, देखिए उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस डायरेक्शन में रेडियो एक्टिव रेज को एमिट करेगा उसका कोई सर्टन डायरेक्शन नहीं है, वो रैंडम इधर उधर के डायरेक्शन में रेडिएट करेगा। सो इसे सीधी रेखा में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसे पाने के लिए कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि एक सॉलिड लेड बॉक्स होता है और बीच में होता है उसका टनल। लेड बॉक्स क्यों यूज किया जाता है ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इधर उधर वाला जो अल्फा पार्टिकल है इसे वो अब्सॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल सीधा जो खाली जगह है, जो ये चैनल है, जो टनल है, वहीं से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल पाता है। तो इस लेड बॉक्स से जो अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे वो कुछ इस तरह से बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन में निकलेगा। अब क्या है, अब यूज किया गया एक गोल्ड फॉयल, बहुत बहुत पतला गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल यूज करने के पीछे रीजन ये था कि गोल्ड फॉयल बहुत ज्यादा, गोल्ड जो है ये बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है, इसे हम बहुत पतला बना सकते हैं पीट पीट के। और दूसरा रीजन ये है कि गोल्ड न्यूक्लियस जो है, गोल्ड एटम बेसिकली, तब तो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट तभी तक आया नहीं था, इस एक्सपेरिमेंट के बाद आया वो कॉन्सेप्ट, गोल्ड एटम जो है बहुत हेवी होता है। सो ये भी एक रीजन है कि इसे यूज किया जाता है, वो आप आगे समझ जाएंगे कि हेवी न्यूक्लियस या हेवी एटम यूज करने का जो बेनिफिट था वो क्या था। अब यूज किया जाता है लेड बॉक्स के साथ साथ गोल्ड फॉयल, लेड बॉक्स से अल्फा पार्टिकल इस तरह से बाहर निकलता है जो कि गोल्ड फॉयल से जाके टकराता है। अब
एक वॉल होता है इसके चारों तरफ, एक थिक वॉल। और इस गोल्ड फॉयल से जो अल्फा पार्टिकल इससे टकरा के जो इधर उधर जाएगा उसे डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है गेगर काउंटर। इसे गेगर मुलर काउंटर भी कहा जाता है। इस टॉपिक पे, गेगर काउंटर पे, मैं जरूर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा कि ये गेगर काउंटर एग्जैक्टली काम कैसे करता है। अब ये जो गेगर काउंटर है, जो कि ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, यहां पर जितना भी अल्फा पार्टिकल पहुंचता है ये उसे डिटेक्ट कर पाता है किस अमाउंट पे अल्फा पार्टिकल आ रहा है। ये इस वॉल में इस तरह से ये मूव कर सकता है, इस तरह से इसे मूव करवाते हुए किस जगह पे किस अमाउंट में अल्फा पार्टिकल पहुंच रहा है इसे पता किया जा सकता है। अब देखते हैं इसका एग्जैक्ट वॉकिंग कैसा होगा। अब यहां से निकला अल्फा पार्टिकल, उन्होंने गेगर काउंटर यूज करते हुए देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गोल्ड फॉयल को पेनेट्रेट करते हुए पार हो जा रहा है। बहुत ही कम अमाउंट में अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा डेविएट कर रहा है, इस तरह से आके वो डेविएट कर रहा है, लेकिन इसका अमाउंट बहुत ही कम उन्होंने पाया। और बहुत 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 कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसा पाया गया जो कि लगभग 180 डिग्री में इस गोल्ड फॉयल से रीबाउंड कर जा रहा है। तो उन लोगों ने देखा कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल का कंसेंट्रेशन एक छोटा सा रीजन में है जहां पर कि डेविएशन बहुत बहुत कम हो रहा है, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स उन लोगों को इस रीजन में मिला। चलिए डेटा थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं कि एक छोटा सा रीजन जहां की एंगल ऑफ डेविएशन सिर्फ 1 डिग्री का हो, इसी रीजन में उन्हें बहुत बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स मिले, लगभग 99.86% अल्फा पार्टिकल्स सिर्फ इसी रीजन में मिला जहां पर कि उसका डेविएशन नहीं हो रहा, ना के बराबर डेविएशन हो रहा, सिर्फ 1 डिग्री के रेंज में। और बाकी जगह पे मिला बाकी बचे अल्फा पार्टिकल्स जो कि है 0.14%, सिर्फ 0.14%। और थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं कि जिन अल्फा पार्टिकल्स का डेविएशन 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा, मतलब इस रेंज में मिल रहा है, उसका अमाउंट देखा गया तो वो पाया गया 8000 में एक। 8000 अल्फा पार्टिकल्स जब यहां से रेडिएटेड हो रहा है वो गोल्ड फॉयल से 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्टेड हो रहा है, या फिर कहें एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, विच इज 0.0125%, बहुत ही कम। और जिन अल्फा पार्टिकल्स का डेविएशन लगभग 180 डिग्री के बराबर है, मतलब कि वो रीबाउंड कर रहा है, इस तरह से जा रहा है और रीबाउंड करके वापस आ रहा है, उसका अमाउंट देखा गया कि वो 20,000 में एक है, विच इज 0.005%। ये बहुत ही कम अमाउंट में अल्फा पार्टिकल्स रीबाउंड कर रहा है। अब इस रिजल्ट को देखते हुए रदरफोर्ड ने कहा कि जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो सही नहीं हो सकता है। उस समय प्लम पुडिंग मॉडल ये प्रचलन में था। प्लम पुडिंग मॉडल कहता है कि एक एटम का पूरा स्पेस, इसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और उसके बॉडी में नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहता है। अब अगर ये सही हुआ तो फिर रदरफोर्ड आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर ये सही होता तो फिर जो गोल्ड फॉयल है उसका जो बॉडी है उसमें एटम्स जो है वो एरे बना के रहेगा, इस तरह से एक एटम उसके बाद दूसरा उसके बाद तीसरा एक के बाद दूसरा लगातार एटम्स रहेंगे। अब अगर एटम का पूरा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड होता तो फिर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये अल्फा पार्टिकल जो खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो ये एटम्स का पूरा बॉडी पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स वहां पर एक्ट होता और उस रिपल्शन के कारण जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो रीबाउंड कर जाते, इस तरह से सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स को रीबाउंड करना चाहिए था, लेकिन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये सजेस्ट नहीं कर रहा था। तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि प्लम पुडिंग मॉडल सही नहीं हो सकता है और उन्होंने
इस रिजल्ट से जो कंक्लूड किया वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता पूरे स्पेस में, बल्कि पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, बहुत ही छोटा जगह लेके। सो एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली रहता है और इसका जो सेंटर है वहां पर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास रहता है। इसीलिए जब अल्फा पार्टिकल से इसे बॉम्बार्ड किया जाता है तो जो अल्फा पार्टिकल कोलाइड करता है सेंटर से, जिसे कि न्यूक्लियस कहा जाता है, वो रिबाउंड कर जाता है और जो इसके बहुत क्लोज होता है वो डिफ्लेक्टेड हो जाता है, लेकिन बाकी अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे ऐसे ही अपने स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट कर जाता है। वैसे ये डिफ्लेक्टेड क्यों होता है और रिबाउंड क्यों होता है इस पे तो हमने इससे पहले बात कर लिया है, क्योंकि सेंटर में सारा पॉजिटिव चार्ज रिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है तो वो इस तरह से आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है, तो रिपल्सिव फोर्स के कारण ये इस तरह से रिबाउंड कर जाता है वो अल्फा पार्टिकल जो कि बिल्कुल इस न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर रहा है। और जो अल्फा पार्टिकल बहुत क्लोज होता है इस न्यूक्लियस के तो वो इस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, रिपल्सिव फोर्स को, और इस तरह से डिफ्लेक्टेड हो जाता है। बाकी जो दूर रहता है अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स उतना एक्ट नहीं करता है, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट कर जाता है। अब यहां से आके रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जिसे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। उन्होंने ये कहा कि एटम का ज्यादातर मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में एक बहुत ही छोटे रीजन में बहुत ही डेंसली कंसंट्रेटेड रहता है। रदरफोर्ड ने उस रीजन का नाम दिया था न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है बहुत ही हाई स्पीड से सर्कुलर पाथ में, जिसे कि ऑर्बिट्स कहा जाता है, जैसे सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करता है प्लैनेट्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन्स में होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन इस मॉडल की कुछ खामियां हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहता है कि जब कोई चार्ज एक्सीलरेटेड हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करता है, इससे उसका एनर्जी घटता है। अब कोई भी रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट इसमें एक्सेलरेशन रहता है, चाहे वो कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व करे या वेरिएबल स्पीड से रिवॉल्व करे, उसमें होता है एक्सेलरेशन। और इलेक्ट्रॉन्स ये तो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज एक्सेलरेशन में है, तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करना चाहिए और इस प्रोसेस में इसे लूज करना चाहिए एनर्जी, और एनर्जी लूज करने के कारण इसका ऑर्बिट जो है ये धीरे धीरे श्रिंक करना चाहिए, और श्रिंक करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के साथ सट जाना चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ये दिखाता है कि ऐसा होने में सिर्फ और सिर्फ 10^-8 सेकेंड लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो ये इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। इसका एक दूसरा ड्रॉबैक भी है। वैसे से ड्रॉबैक के बदले अगर हम इनकम्प्लीटनेस कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। वो ये कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जैसे इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और उनमें कितनी एनर्जी होगी, इस बारे में रदरफोर्ड का मॉडल कुछ नहीं बताता है। लेकिन इन कमियों के बावजूद भी हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को नकार नहीं सकते हैं, इसका मोल को हम कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय का प्रचलित एटॉमिक मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल, जिससे कि एक बहुत बड़ा जंप था ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।
और इसके बाद बोर ने इसे किया था मॉडिफाई, और बोर एटॉमिक मॉडल आया था, और आगे एटॉमिक मॉडल का क्वांटम मैकेनिकल व्यू आया। तो इस लिहाज से भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल एक स्टेप है। आपका सफर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको पहला छोटा कदम रखना ही पड़ेगा, और छोटे छोटे कदम मिलकर ही एक बड़ा सफर तय होता है। तो चाहे आप पहला कदम रख रहे हो या दूसरा या फिर अंतिम कदम रख रहे हो, हर एक कदम का मोल बराबर है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का भी मोल उतना ही है जितना कि बोर एटॉमिक मॉडल का है, और जितना कि एटॉमिक मॉडल का क्वांटम मैकेनिकल व्यू का है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। क्लास 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।